हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर एक अनदर वीडियो। और आज जो टॉपिक में शेयर है, दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन DHFL, इसका जो आज शेयर बंद हुआ है ऊपर की तरफ 149.40 में 28 मार्च 2019 को। इसकी जो न्यूज़ है कि पिरामल इंटरप्राइजेस इसका स्टेक खरीदेगी, स्टेक को जो बाय करने की कोशिश करेगी। तो फ्रेंड्स, ये न्यूज़ है। अगर ये सही न्यूज़ अगर हो जाता है तो और DHFL का जो शेयर है वो ऊपर की तरफ भी जा सकता है। बट अभी फ़िलहाल कोई ऐसा बोर्ड की तरफ से, DHFL की बोर्ड की तरफ से ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं है कि ये अभी सही न्यूज़ है। बट हो सकता है कि कोई डिस्कशन और डिसीजन हो सकता है आगे आने वाले दिनों में। तो फ्रेंड्स, अब जो दीवान हाउसिंग का जो शेयर है वो आने वाले दिनों में हो सकता है कि ऊपर की तरफ, अगर ये न्यूज़ सही रहता है तो टेक्निकली देखने की कोशिश करेंगे इसको चार्ट के द्वारा। चलिए चार्ट की तरफ। फ्रेंड्स, ये है दीवान हाउसिंग का चार्ट और ये 149.50 रुपये में बंद हुआ है आज 28/3/2019 को। काफ़ी तेज़ी थी इसमें और लगभग 154.60 रुपये हाई मारा है और 137 का लो था। समझने की कोशिश करेंगे चार्ट में। आपने कुछ दिन पहले भी देखा होगा इसी तरह का एक मूव आया था जब खुद ही सब्सिडरी कंपनी में हिस्सेदारी बेच के पैसा राइज करने की बात चल रही थी, तो इसी के आसपास गया था फ्रेंड्स ये ऊपर के लेवल पे। अब फिर वहीं पे पहुंच गया है। तो फ्रेंड्स, अगर ये टेक्निकली अब इसका जो हर्डल होना चाहिए लगभग, देखिए यहाँ पे ये कैंडल बना हुआ है, अगर इसको ये ऊपर की तरफ जाता है तो 150 को क्रॉस करके जाता है, तो 156 और 157 के आसपास आप हर्डल हो सकता है इसका। देखिए इसको थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं। देखिए 157 ये साइड में लिखा हुआ है, 157 और 156। फ्रेंड्स, जो नए लोग देख रहे हैं इसका स्पेशली जो चार्ट बनता है ओपन हाई लो और क्लोज के हिसाब से कैंडल होता है फ्रेंड्स, उसी के हिसाब से फिर जहां क्लोजिंग आती है और उसके अनुसार टेक्निकल चार्ट बनता है। आपने देखा कि आज ये काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिया था, इसने 154 की तरफ गया है। तो फ्रेंड्स, अब ये आने वाले दिनों में हो सकता है कि अच्छा मूवमेंट दे, ऊपर की तरफ जाए। और देखिए एक जो इसका जो नीचे फॉल हुआ था लगभग 600 से फॉल हुआ है, धीरे धीरे करके नीचे की तरफ आया है। तो फ्रेंड्स, फ़िलहाल ये अभी 150 के आसपास है, तो उसी को जानने की कोशिश करें कि इसका अब हर्डल जो है, जैसे मैंने बताया कि अब इसका हर्डल लगभग, देखिए ये जो कैंडल बना हुआ है तो इसका अब ऊपर की तरफ जो ये आपको दिख रहा होगा 157-156 इसका रेजिस्टेंस हो सकता है। उसको ब्रेक करेगा तो आप फिर ऊपर का लेवल जो है आप देख सकते हैं इसको लगभग 170 और 180 के आसपास, मगर ये लंबा है, अभी समय लग सकता है फ्रेंड्स। इसमें न्यूज़ बनी हुई है काफ़ी, इसमें गिरावट आई है और इसका सपोर्ट अब जानने की कोशिश करेंगे दीवान हाउसिंग का। देखिए ये इसको वन मंथ के उसमें निकालते हैं तो उसको सपोर्ट आपको ज़्यादातर समझ में आएगा। और देखिए इसका सपोर्ट अब नीचे की तरफ है 137 आज का जो ओपन हुआ था और लो है, उसी को आप सपोर्ट मान के चलिए। और जिन लेवल से जो बैड न्यूज़ थी इसकी और जो एलिगेशन लगे थे, अब धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा सकता है ये दीवान हाउसिंग। और जैसे आप ये देख रहे हैं कैंडल यहाँ ग्रीन बना हुआ है फ्रेंड्स, ये है 161। देखिए 147 लो है, 161 के आसपास है और क्लोज इसी तरह से अब हर्डल भी होना चाहिए। अगर 157 ये क्रॉस करता है तो 161 और 70 तक जा सकता है, फिर नेक्स्ट भी होगा वो। तो अगर देखना हो स्पेशली फ्रेंड तो उसको ईयरली के हिसाब से ज़्यादातर देखना चाहिए। देखिए गिरावट के हिसाब से नीचे की तरफ आया, अब धीरे धीरे अब नीचे से एक कैंडल ये बना हुआ है, यहाँ से 105 से ऊपर की तरफ अब जा रहा है। तो फ्रेंड 150 के आसपास है ये। अब इसका हर्डल जो है, जैसे 156-157 को क्रॉस करता है तो आपको 160-170 तब इसके बारे में नेक्स्ट व्यू बताने की कोशिश करेंगे। तो ये आज अच्छा इसने मोमेंट दिया है
न्यूज़ थी, इसके बड़ी न्यूज़ थी, अगर ये न्यूज़ सही हो जाती है तो और मोमेंट दे सकता है। और जैसे मैंने वो बताया कि सपोर्ट 137.50 137 को आप मान सकते हैं सपोर्ट नीचे के लेवल पे। तो फ्रेंड्स, जो इन्होंने नीचे लिया है, बने रहिए और आने वाले मंथ। और फ्रेंड्स, ये था DHFL का चार्ट और टेक्निकली और बताने की कोशिश, और न्यूज़ थी इसमें, उसके वजह से काफ़ी अच्छा ये ऊपर की तरफ गया है। और अगर आप इसी तरह से न्यूज़ और एनालिसिस, रिज़ल्ट, सारा कुछ लेटेस्ट बताने की कोशिश की जाती है इस YouTube चैनल के द्वारा। अगर YouTube आप देखते हैं, इंडिया के किसी भी शहर से देखते हैं, महाराष्ट्र से, पुणे से, बेंगलुरु से, और न्यू दिल्ली, कलकत्ता, कहीं से भी देखते हैं, किसी भी शहर से YouTube देखते हैं, पूरे वर्ल्ड से देखते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और लाइक करिए, शेयर करिए। किसी शेयर के बारे में पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज था ये DHFL, फिर कोई नया स्टॉक लेके आएंगे और उसके बारे में टेक्निकली और फंडामेंटली बताने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।